आज दोपहर से फोन पे काम नहीं कर रहा है। फोन पे की बात नहीं है, गूगल पे, पेटीएम ये भी काम नहीं कर रहा है। मतलब आज दोपहर के बाद से यूपीआई से पेमेंट नहीं हो रहा है। अगर हम अपने फोन पर फोन पे ओपन करते हैं, इस तरह से अपने मोबाइल पर गए, फोन पे ओपन किए, अब देख रहे हैं स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। फोन ओपन करने के बाद हम टू मोबाइल नंबर पर जाते हैं, यहाँ पर एक नंबर चूज करते हैं और यहाँ पर मैं जैसे अमाउंट डालता हूँ 100 रुपीज, और यहाँ पर मैं पे पर क्लिक करता हूँ तो देख सकते हैं क्या लिखा रहा है, यूपीआई इशू 8 रिसीवर्स बैंक। यहाँ पर क्या लिखा रहा है, यूपीआई इशू 8 रिसीवर बैंक, लेकिन यहाँ पर पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। और फोन पे की बात नहीं है, आप गूगल पे पर भी ट्रांसफर करेंगे या फिर पेटीएम का इस्तेमाल करेंगे, सभी जगह इस तरीके की दिक्कत आ रही है। मतलब यूपीआई में फॉल्ट है, यूपीआई से पेमेंट नहीं हो पा रहा है। आज के टाइम पे, आज के डेट पे, अभी के टाइम पर आप यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, तो आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? बेसिकली आज हम बात करने वाले हैं कि प्रॉब्लम क्यों आया और ये कैसे ठीक होगा। बने रहना वीडियो में तक। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप, स्वागत है आपका टीचिंग संदीप यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं। तो मैं आपको बता दूं, आज दोपहर से पूरे छत्तीसगढ़ के अलावा कई ऐसे स्टेट हैं जहां पर यूपीआई से पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। ये जो यूपीआई पेमेंट पर प्रॉब्लम क्रिएट हुआ है, ये पहली बार नहीं है, आज से पहले भी इस तरीके की दिक्कत आ चुकी है, लेकिन पहले कुछ ही मिनट, कुछ ही घंटों के लिए होता था, 1-2 घंटे के बाद वो सही हो जाता था, लेकिन आज दोपहर के बाद से काम ही नहीं कर रहा है, चाहे फोन पे हो, चाहे गूगल पे हो, चाहे पेटीएम हो, दोपहर के बाद से काम ही नहीं कर रहा, पैसा ट्रांसफर हो ही नहीं रहा यूपीआई से, राइट? लेकिन ये जो प्रॉब्लम, ये मुझे लगता है कि सर्वर की वजह से हुआ है, सर्वर की वजह से पैसा ट्रांसफर नहीं हो पा रहा, क्योंकि आपको पता ही है जितनी भी जो कंपनियां जैसे फोन पे हो गए, पेटीएम हो गया, गूगल पे हो गया, ये सब बैंक से टाई अप होती, दोनों को सर्वर आपस में लिंक रहता है, तभी हम इस्तेमाल कर पाते हैं फोन पे गए, फिर गूगल पे गए, जिससे हम पैसा ट्रांसफर कर पाते हैं। लेकिन जब सर्वर पे ही दिक्कत आ जाता है तो यहाँ पर वो एप्लीकेशन है वो काम नहीं करता, चाहे बात करें हम फोन पे की, चाहे बात करें गूगल पे की, या फिर बात करें पेटीएम की, कोई भी एप्लीकेशन काम नहीं करता। तो मुझे लगता है कि ये जो प्रॉब्लम आई है, ये सर्वर की वजह से आया है। आपने सुना होगा कभी कभी हम बैंक जाते हैं, बैंक में लिंक फेल लिखा होता है, राइट? और जब बैंक में लिंक फेल होता है तो कोई भी काम काज नहीं होता। ठीक इसी प्रकार से यूपीआई की दुनिया में अगर सर्वर फेल हो जाए तो यहाँ पर यूपीआई का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, आप पैसा ट्रांसफर नहीं कर सकते यूपीआई की मदद से। इसी प्रकार से आज दोपहर से जो हमारा यूपीआई है, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, ये काम नहीं कर रहा है, और इसका वजह सर्वर ही हो सकता है। अब हम बात करते हैं ठीक कैसे होगा और कब तक ठीक होगा। मैं आपको बता दूं, इसे ठीक करना आपके और मेरे हाथ में नहीं है, ये सर्वर के हाथ में। जब सर्वर सही हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका यूपीआई पेमेंट ऑन हो जाएगा और आप फोन पे, गूगल पे, पेटीएम का फिर से इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन जब तक ये सर्वर वाली जो प्रॉब्लम है ये सही नहीं होगा, तब तक आप यूपीआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते, यूपीआई से पेमेंट नहीं कर पाओगे। अब इसे देखिए, ये 24 आवर्स के भीतर कंप्लीट हो जाना चाहिए, सही हो जाना चाहिए, क्योंकि आज तक जब भी ये प्रॉब्लम आया, मतलब आज से पहले भी प्रॉब्लम आ चुका है, ऐसा नहीं कि पहली बार है, आज से पहले भी इस तरीके की दिक्कत आ चुकी, लेकिन वो कुछ घंटे, कुछ समय के लिए ही होता है, लेकिन फिर वो सही हो जाता है। लेकिन इस बार इतना लंबा टाइम तक ये चल रहा है और ये फिक्स अभी तक नहीं हुआ है, तो मुझे उम्मीद है कि 24 घंटे के भीतर ये सही हो जाना चाहिए। लेकिन जब तक वो सही नहीं होता, तब तक आप सिर्फ इंतजार कर सकते हैं, वेट कर सकते हैं। दोस्तों, आई होप आपको समझ आ गया होगा कि आखिर फोन पे काम क्यों नहीं कर रहा है, आज यूपीआई पेमेंट क्यों नहीं हो पा रहा है। मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, मैं जरूर आपको कमेंट का रिप्लाई करूंगा। तो बस आज के वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, फिर मिलते हैं नए वीडियो पर नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री।